व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं आपको जेंट्स कमीज की जेब कट करने के और अटैच करने के तरीके बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जेंट्स कमीज की बड़ी जो कमीज़ है उसका जो जेब की लंबाई है वो होगी साढ़े पाँच इंच तैयार और चौड़ाई जो है वो होगी पाँच इंच पाँच इंच से बिल्कुल एक पॉइंट कम आप किसी भी साइज़ की जेब काट करें दस साल के आठ साल के पाँच साल के एक साल के तो इस तरह से आप पहले माप ले लें जेंट्स की जो बड़ी कमीज़ है उसके ऊपर हम ये जो हैं ये एक इंच रखेंगे ये जो पट्टी है अब मैं आपको जेब काट करने का तरीका बताऊंगी तो उसके लिए आपने पहले थोड़ा सा सख्त पेपर ले लेना है और जिस हिसाब के आपको कटिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसके ऊपर कट कर सकते हैं तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पीस लिया है ये मैंने साढ़े चार इंच की लंबाई और चार चौड़ाई ली है तो इसे हम इस तरह से डबल कर लेंगे कोई भी शेप देने के लिए और सेंटर में इस तरह से तह बिठा लेंगे और फिर इस तरह से जो इसके खुली साइड है ना उसके कोने जो है कट कर लेंगे और ये हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है तो इसे किस तरह से कपड़े पे रखेंगे किस तरह से करेंगे वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी तो पहले मैं आपको कट करने के तरीके बताऊंगी और बताऊंगी कि किस किस पैटर्न से आप पॉकेट कट कर सकते हैं अब हम दूसरा पैटर्न जो है वो ट्राई करेंगे तो हम यहाँ से इसे इस तरह गुलाई दे देंगे और इस तरह ये देखें हमारा गोल पैटर्न तैयार हो चुका है तो इसे हम ट्राई कर सकते हैं अब एक और पैटर्न है जिसे आप अपने कमीज पे लगा सकते हैं तो ये इस तरह से हम तकरीबन हाफ इंच हम इस तरह ऊपर से कट करना शुरू करेंगे और इस तरह से पैटर्न बना लेंगे अब मैं आपको पैटर्न के मुताबिक कपड़े पे किस तरह से हम कट करेंगे और जेब किस तरह अटैच करेंगे वो बताऊंगी तो सबसे पहले ये मैंने पैटर्न लिया है जो मैं बनाना चाहती हूँ ये मैं दस साल का बच्चा है उसकी शर्ट पर लगाना चाहती हूँ तो ये साढ़े चार इसकी लंबाई है और चार इसकी चौड़ाई है तो इस तरह से कपड़ा लेंगे ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे जिसके ऊपर हम पेपर पेस्ट अटैच करेंगे तो इस तरह ये पेपर पेस्ट जो है ये हाफ़ से भी हाफ इंच है तो इसे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर फोल्डिंग छोड़ के तो इस तरह से इसे पेस्ट कर लेंगे और अगर आप इस तरह कोनों वाला पॉकेट लगाना चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं अब हम जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम ये जो पेपर पेस्ट है इसे पकड़ के इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर आयरन से तह बैठा लेंगे अब हम ये जो पैटर्न है इसे इस तरह से ऊपर रख के तो जो साइड पे कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से फोल्ड करके ऊपर आयरन से इनकी तह बैठा लेंगे अच्छे से इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी आयरन से इनकी तह बिठा लेंगे अच्छे से तय बन जाए तो फिर हम ये जो पैटर्न है दरमियान से निकाल देंगे और नीचे से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेंगे तो ये देखें ये हमारा कितना प्यारा पॉकेट तैयार हो चुका है अब हम इसे शर्ट के साथ अटैच करेंगे सबसे पहले ये जो हमने फोल्डिंग की है इसके ऊपर नीचे भी सिलाई लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड पे भी एक सिलाई लगा लेंगे आप इसे शर्ट पर अटैच करेंगे तो शर्ट को इस तरह से सेट करके तो ऊपर से हम माप लेंगे ये हम फाइव इंच डाउन पे लगाएंगे जेब जो है तो ये जो बड़ी जेंट्स कमीज होती हैं वो सात इंच साढ़े सात इंच डाउन करते हैं तो यहाँ से हम वन इंच से थोड़ा सा कम एक पॉइंट कम रखेंगे पट्टी वाली साइड पे तो यहाँ पे भी छोटा सा निशान लगा लेंगे और यहाँ पे पॉकेट रख के तो सिलाई लगा देंगे यहाँ पहले थोड़ी सी एक पैर के फासले पे हम सिलाई लगाएंगे इस साइड को ऐसे फिर हम इस साइड को चाहेंगे और फिर पॉकेट की तीनों साइड जो हैं वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से हम बाकी साइड को भी सिलाई लगा लेंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूरत आना है कि आपको ये कटिंग जो पैटर्न है वो कैसे लगे और जेब लगाने का तरीका कैसा लगा बनाने का तरीका कैसा लगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो बाकी वीडियोस एंड ट्रोज़र वग़ैरह की शर्ट कटिंग की वो भी आप देख सकते हैं स्लीव्स की हैं तारकशी डिज़ाइन की भी वीडियोस मौजूद हैं तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं अब इस साइड पे भी हम एक पाँव की सिलाई जो है इस तरह डबल लगाएंगे जहाँ तक हमारा पेपर पेस्ट है तो ये हमारी सी पॉकेट तैयार हो चुकी है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो देखने का अल्लाह हाफ़